टॉपिक में आज का जो हमारा होगा लेसन 3 में लेशन अभिमन्यु। अभिमन्यु लेशन में आपको हम बताने जा रहे हैं कि अभिमन्यु के इस लेसन में क्या भूमिका होती है, उसका विरोधी जो दुर्योधन होता है किस तरह से अपने सेनापतियों को और उनके बीच में जो महान लोग भी थे उन लोगों को अपने कपि वचन से कैसे उनको बहुत ही एक अपमानित करने का भाव अपने अंदर रखता है, उनको ऐसे शो करता है जैसे ये लगता है कि वो खुद ही सबसे महान है, उसे कोई बड़ा नहीं है, कोई महान नहीं है। बहुत सारी कुछ यातनाएं उनको देता है, कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है जो उतनी बड़ी सभा में भी लोग अपने आप को उसकी बातों से सहमत नहीं हो पाते हैं और अपने आप को अपमानित महसूस करते हैं। फिलहाल जो कुछ भी उन्होंने किया, जो उसको अच्छा लगा, उसने अपने समय में उसको अच्छा किया, लेकिन लोगों की दृष्टि में, समाज के दृष्टि से उनके वचन, उनकी शैली उचित नहीं था। तो आज हम आपको चलते हैं इस लेसन से संबंधित कुछ कठिन वर्ड मीनिंग को भी हमने लिखा है, उसी कठिन वर्ड मीनिंग को आप एक जगह नोट कर लीजिएगा और नोट करने के बाद आप उसको तैयार कर लीजिएगा। वर्ड मीनिंग में जैसे हमने आपको यहाँ पे लिखा है अर्ली मॉर्निंग, बहुत से बच्चे इसका उपयोग करते हैं, बोलते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या होता है समझ नहीं पाते हैं। तो आज हमने यहाँ पे आपको लिख दिया है कि अर्ली मॉर्निंग का मतलब होता है जल्दी सुबह। बिटरनेस का मतलब होता है कड़वाहट, एंगर, क्रोध, कस्टमरी रिवाज के अनुसार सैल्यूटेशन, अभिवादन, एड्रेस, संबोधित किया, जनरल, सेनापति, प्रिवेंटेड रोका, इनएक्सप्लिकेबल जिसका वर्णन न हो सके, इनकम्प्रिहेंसिबल समझना मुश्किल है। तो इस प्रकार की कठिन वर्ड मीनिंग है। अगर कोई आपको इसके अतिरिक्त भी वर्ड मीनिंग की अगर समस्या होगी तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, ताकि आपको अगले वीडियो में कठिन वर्डों के बारे में जानकारी दे दी जाएगी। और हम अब चलते हैं इस लेसन में। पहला हम पैसेज आपको, मैं इस लेसन को अब शुरू करने जा रहा हूं और आप अपनी किताब निकाल लीजिएगा। किताब निकाल करके आप उसमें लाइन बाय लाइन देखते जाइएगा। ये लेसन बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और इसमें कठिन वर्ड मीनिंग भी दिया गया है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आप इसके लाइन बाय लाइन देखते जाइए, मैं कैसे इसके बारे में आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। अब आइए अपने टेक्स्ट बुक में। अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग दुर्योधन वेंट टू द्रोणाचार्य इन ए स्टेट ऑफ बिटरनेस एंड एंगर एंड आफ्टर द कस्टमरी सैल्यूटेशन एड्रेस्ड हिम दस इन द प्रेजेंस ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ जनरल esteemed Brahmar, Yudhishthir was quite within your reach study. And if you really wish to take him, no one could have you prevent it. You did not take him. And to me, the events of study are inexplicable. I cannot understand what makes it hard. Are you to carry out your promise to me, great men are incomprehensible. तो मैं आपको अब ये अर्थ बताने जा रहा हूं। देखिए, early next morning यानी अगली जल्दी सुबह दुर्योधन went to द्रोणाचार्य। दुर्योधन went to, दुर्योधन गया to द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य के पास गया इन ए स्टेट ऑफ बिटरनेस, कड़वाहट एंड एंगर और क्रोध, क्रोध कड़वाहट के साथ वह गुरु द्रोणाचार्य के पास गया। एंड आफ्टर द कस्टमरी सैल्यूटेशन और रीत रिवाज के अनुसार, जैसा वहां का रिवाज था उस रिवाज के अनुसार उसने उनको
सैल्यूटेशन करता है, उनका अभिवादन करता है, एड्रेस्ड हिम और उनको संबोधित उसने किया। दस इस प्रकार उसने किया, कहां पर? इन द प्रेजेंस ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ जनरल, इन द प्रेजेंस ऑफ उपस्थिति में ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ जनरल, यानी बहुत से अनेकों सेनापतियों की उपस्थिति में उसने उनको इस प्रकार संबोधित किया। एस्टीम्ड ब्राह्मण, सम्मानित ब्राह्मण, युधिष्ठिर वाज क्वाइट विथ इन इन योर रीच स्टडी, युधिष्ठिर वाज क्वाइट विथ इन इन योर रीच, युधिष्ठिर आपके पहुंच में थे, आपके पकड़ में थे, स्टडे कल एंड और इफ यू आर रियली विच टू टेक हिम नो वन कुड हैव प्रिवेंटेड यू, यदि आप वास्तविक रूप से अगर आप चाहे होते तो आप उसे अपने अंडर में ले सकते थे और कोई भी आपको रोक नहीं सकता था, लेकिन आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। एट फिर भी यू डिड नॉट टेक हिम, आपने उसको अपने अंडर में नहीं लिया। अगर आप उसे अपने अंडर में लेना चाहते तो कल उसे आप अपने अंडर में ले लिए होते, लेकिन आपने उनको अपने अंडर में लेने की अपनी इच्छा व्यक्त नहीं की। एंड टू मी द इवेंट्स ऑफ स्टडे, एंड टू मी और मुझको द इवेंट्स ऑफ स्टडे, जो कल की घटना है, आर इनएक्सप्लिकेबल, कि उसको समझा पाना, उसका वर्णन करना काफी मुश्किल है। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, और मैं ये समझ नहीं सकता कि व्हाट मेक्स इट हार्ड यू, कि किस बात ने आपको इतना कठोर बना दिया टू कैरी आउट योर प्रॉमिस टू मी, कि मेरे प्रति आपको अपनी आज्ञाओं का पालन करने के लिए किस चीज ने आपको इतना कठोर बना दिया था। ग्रेट मैन आर इनकम्प्रिहेंसिबल, ग्रेट मैन को, जो महान लोग हैं, इन महान आदमियों को समझाना बड़ा मुश्किल। इसलिए मैं ये आपसे कहना चाहूंगा कि आपने जो मेरे साथ किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आपको ये पता था कि जब मेरा दुश्मन, जब मेरी कस्टडी में है, मेरे अधीन है, तो उसे आपको अपने अंदर में गिरफ्तार कर लेना चाहिए था, लेकिन आपने अपने दुश्मन को भी स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया, उनके प्रति कोई आपने कार्रवाई नहीं की। द्रोणाचार्यवाज exceedingly hurt by this insulting insinuation, द्रोणाचार्यवाज exceedingly hurt, द्रोणाचार्य exceedingly hurt हो गए, वह मन से घायल हो गए थे by this insulting insinuation, यानी इस अपमानित परामर्श द्वारा जो उन्होंने उन्हें परामर्श दिया, वह अपने मन से बहुत बुरी तरीके से घायल हो गए थे। तो आपको मैं इसके बारे में और डिटेल्स से आपको बताऊंगा, और यदि आपको कोई समस्या होगी तो आप मुझको जरूर कमेंट करके बताइएगा, और आप जो है कोई समस्या होगी तो आप निश्चित रूप से बेहिचक बेसंकोच आप हमें बता दीजिएगा, और मैं आपको डिटेल से पुनः समझा दूंगा। ये लेसन थोड़ा कठिन है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग भी लेसन है। अगर आप इसके वर्ड मीनिंग को और इसके मीनिंग को समझते हुए चलेंगे तो आप निश्चित रूप से बहुत कुछ सीख लेंगे, और अगली वीडियो में